का आपके अपने चैनल आरबीएस समाचार में और मैं हूँ आपके साथ गौरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरबीएस समाचार। ये दोस्त पर शिवली गाँव है, यहाँ पर रोड का हाल आप देख सकते हैं किस तरह की रोड की दुर्दशा बनी हुई है। लोगों को पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। किस तरह से लोग निकल रहे हैं देख सकते हैं। गांव के लोगों की तरह से यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री का दावा है सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, कीचड़ मुक्त हों, स्वच्छ हों। ये रोड इस बात को दर्शा रही है कि ये लोग पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं? दोस्तपुर शिवली में। ये तुम्हारे घर के सामने जो ये गड्ढा खुदा हुआ है, ये रोड पर पानी भरा हुआ है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगी? या क्या कहना चाहते हैं? कितना आदमी रोज गरियावा जा रहा निकल रहा, नाली का कोई सुनवाई नहीं है। देखो विधायक जी आए, उनसे भी शिकायत की गई, प्रधान से भी कहा गया, गांव के बीडी से भी कहा गया, जो भी आता बोलता हाँ इसका देखो प्रस्ताव डाल दिया गया। किस विधायक से कहा गया है? हाँ, विधायक विधायक स्वयं आकर के नहीं, किस विधायक से कहा गया है? देखो श्रीकांत कटियार, श्रीकांत कटियार वो भी यहाँ आए थे, उनसे भी शिकायत की गई कि विधायक जी इतनी बड़ी दिक्कत है, यहाँ 20 गांव का आदमी निकलता है तब नाबदा निकले, इसका कोई निकास कहीं है नहीं, अगर नाला बन जाए तो अभी इसका कहीं पानी निकास बन जाए। रोड सबसे शिकायत की गई है लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं।